लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी न्यूज पर। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। धनतेरस से पहले सोने में बड़ी गिरावट। कमजोर वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण कारोबारियों की सुस्त मांग से शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 150 रुपए से फिसल कर 32,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सस्ते में स्मार्टफोन खरीदने का मौका। अमेजॉन सेल में इन 5 फोन पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। दिवाली के मौके पर 2 नवंबर को अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो गई है, जो कि 5 नवंबर तक जारी रहेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट की दिवाली सेल का यह तीसरा एडिशन। इंडिगो का बड़ा हादसा टला। हवा में आमने सामने आए इंडिगो एयरलाइंस के 2 प्लेन। भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती हवाई क्षेत्र में बीच हवा में इंडिगो के 2 विमान इतने करीब आ गए थे कि वे टकराते टकराते बच गए। सरकार और RBI के बीच तनातनी लगातार। निगरानी कर रहा है IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच तनातनी की खबरों के बीच स्थिति की निगरानी कर रहा है। मारुति ही नहीं, इस बार फोर्ड ने भी मचाया धमाल। होंडा ने भी गाड़े झंडे। ईंधन की आसमान छूती कीमत और बढ़ती ब्याज दरों के कारण अक्टूबर का त्योहारी मौसम वाहन उद्योग के लिए ज्यादा खुशियां लेकर नहीं आया और मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एवं टोयोटा ने पिछले महीने 1 अंक में वृद्धि दर्ज की। अभी नहीं मिलेगा फ्लेक्सी फेयर खत्म होने का फायदा। इस दिन से काम करेगा सिस्टम। भारतीय रेलवे की तरफ से फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में बदलाव का सबसे पहला लाभ मार्च 2019 में प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले को मिलेगा। आज फिर घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। शुक्रवार को पेट्रोल की कीमतों में 19 पैसे और डीजल के दाम में 14 पैसे की गिरावट हुई। आप अभी भी बुक कर सकते हैं छठ दिवाली के लिए कंफर्म टिकट। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 357 कर दी है। यदि अभी तक आपने टिकट बुक नहीं की है तो आपके पास कंफर्म सीट पाने का मौका है। पी चिदंबरम ने कहा जनधन योजना सरकार का एक और जुमला। चिदंबरम ने कहा जनधन खातों के जरिए सही तरीके से वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने के बजाय नरेंद्र मोदी सरकार रिकॉर्ड तोड़ने और चर्चा में बना रहना चाहते हैं। दिल्ली में सबसे अच्छी सड़क तो मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद करते हैं लोग। महिलाएं सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते समय अपने को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है। अरुण जेटली द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार GST कलेक्शन अक्टूबर में 1,00,000 करोड़ रुपए के पार। इस साल अप्रैल में पहली बार GST संग्रह 1,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका था। उसके बाद ये लगातार 90,000 करोड़ रुपए के ऊपर बना हुआ है। अमेरिका का भारत को झटका। 50 प्रोडक्ट पर आज से नहीं मिलेगी टैक्स छूट। अमेरिका ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत से आयात होने वाली 50 प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री की सूची से बाहर कर दिया है। फेडरल रजिस्टर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें 90 उत्पादों को रखा गया है। इन 3 महीनों में भारतीयों ने जमकर खरीदा सोना। सामने आई बड़ी वजह। देश में सोने की मांग जुलाई सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 183.2 टन हो गई। विश्व स्वर्ण परिषद WGC ने गुरुवार को रिपोर्ट में यह जानकारी दी। होंडा एक्टिवा के बाद 125cc की इस बाइक ने भी बनाया रिकॉर्ड। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड HMSI ने 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी अग्रणी स्थिति को बरकरार रखते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी का मुनाफा 28% बढ़ा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की संरचना 180 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन की जानी थी, जो एक चुनौती भरा काम था। मूर्ति के निर्माण के लिए अभिलेखागार के संग्रह में लगभग 2000 तस्वीरें एकत्र की गई और एक तस्वीर को चुना गया तथा 2 आयामी तस्वीर को एक 3 आयामी मॉडल में बदलने के लिए तकनीक का उपयोग किया गया। दिवाली से पहले महंगाई की मार। 60 रुपये तक बढ़े LPG सिलेंडर के दाम। इंडियन ऑयल कॉर्प IOC ने बयान में कहा है कि 14.2 किलो के सब्सिडी युक्त LPG सिलेंडर का दाम बुधवार मध्य रात्रि से 502.40 रुपये से बढ़कर 505.34 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। इस शख्स ने तलाक के बदले पत्नी को कोर्ट रूम में ही दे दिए पूरे 200 करोड़। दिग्गज फार्मा कंपनी कैडिला के चेयरमैन राजीव मोदी और उनकी पत्नी मोनिका अग्रवाल के बीच चल रहे तलाक के मामले को कानूनी रूप से मंजूरी मिल गई। अहमदाबाद के एक फैमिली कोर्ट ने मंगलवार को दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी है।
दोस्तों आपको हमारी यह न्यूज कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मिल सके हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।